हेलो गाइस, आज हम क्लास नाइन्थ का संस्कृत का जो आप लोगों का पेपर हुआ है उसके मार्किंग स्कीम को देखते हैं। ये ऑफिशियली मार्किंग स्कीम से आंसर मैच किए गए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का आंसर प्रतिभा हो जाएगा, सेकंड का आंसर यहाँ पे तृतीयाना हो जाएगा और थर्ड क्वेश्चन का आंसर श्वेत वर्णा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिए गए थे जिनका एक पूरी सेंटेंस में आंसर देना था, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर यहाँ से होगा सह परिश्रम से लेके उत्पादित तक हो जाएगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आंसर लिखना था। सेकेंड का आंसर यहाँ से अमृत से लेकर वत्रते तक हो जाएगा और थर्ड का आंसर यहाँ से जगत पालक से लेके विद्यते हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट में आपको जगत पाले या इस तरीके का कोई भी शीर्षक लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट का आंसर जगत पतलास्या हो जाएगा, सेकंड का रमणीय हो जाएगा, थर्ड का ददाती हो जाएगा और फोर्थ का सजनम हो जाएगा। उसके बाद आपको एक यहाँ पर लिखना था त्रिव तेज बुखार के कारण आपको अवकाश लेना है, या यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए इनका मंजूषा का यूज करते हुए आपको इनके आंसर्स लिखने थे। तो देखते हैं इनके आंसर्स, अथवा में दिया गया जल ही जीवन है, इस पर आपको लिखना था। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते थे। देखो यहाँ पे पत्रम लिखना था अवकाश के लिए और इस चित्र के अनुच्छेद इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया, आप देख सकते हैं कि आपने ऐसा लिखा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद करना है, तो इनके साथ साथ में किया हुआ अनुवाद आप देख सकते हैं। राधा विद्यालय जाती है, वे सब क्या कर रहे थे, हम दोनों कल पढ़ेंगे। बच्चा कलम से लिखता है, वे सब देवालय गए, तुम विद्यालय में पढ़ते हो, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। ये जो लिखे हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अथवा इनके दूसरे तरीके से भी इनको लिख सकते थे। उसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, राध्या विद्यालय गच्छती ते तत्र की कुर्वन्ती अवम स्वयं संस्कृत पठिष्याम बालक लेख्यान कलनेम लिखती ते देवालयम आगच्छत्वम अपि विद्यालय पठसी वयम स्वयं देक्षम असमानी स्वदेशे रक्षति रक्षणीय। किस तरीके से भी आप लिख सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खंड क्या है, इसमें आपको संधि विच्छेद करना था, तो फर्स्ट में अत्रैव हो जाएगा, सेकंड में छायेव हो जाएगा, प्रधान प्लस आचार्य प्रधानाचार्य, शयनम हो जाएगा, सप्त ऋषि हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट में साधव आ जाएगा, सेकंड में फलनाम हो जाएगा, ये ऑफिशियली आंसर की है, थर्ड में मातरम हो जाएगा और फोर्थ में यहाँ पर हो जाएगा शिक्षक हो जाएगा। गह आंसर यहाँ पे सही है। और उसके बाद फिफ्थ में बालिका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे धातु रूप है, तो फर्स्ट में गमिष्यति आ जाएगा, सेकंड में अस्मी आ जाएगा, थर्ड में वदेत आ जाएगा, फोर्थ में अपठाम आ जाएगा, उसके बाद फिफ्थ में जनासी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कारक देखना है हमको, तो फर्स्ट में आ जाएगा विद्याम, सेकेंड में आ जाएगा गुरुकुलम, थर्ड में गुरुवे, इसके अलावा फोर्थ में मित्रेण आ जाएगा और फिफ्थ में यहाँ पे ग्रामम आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में दृश्य हो जाएगा, फर्स्ट में दृष्ट हो जाएगा, सेकंड में भूकत्वा हो जाएगा, थर्ड में नीतुमन हो जाएगा, उसके अलावा फोर्थ में यहाँ पर हो जाएगा विक्रिय। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत में हमें गिनती लिखनी थी, फर्स्ट में त्रय या त्रीणी लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, पंच चतुवारिशतः हो जाएगा, एकन चतुवारिशतः हो जाएगा और 26 को षटविंशति कहते हैं। उसके बाद उपसर्ग अलग करने थे हमको, तो देखो क्या होगा, परा प्लस जित पराजित, सब आहमन स्वमाहन हो जाएगा, अव प्लस गतम अवगतम हो जाएगा, निर प्लस दोष निर्दोष हो जाएगा, अनविक्षणम हो जाएगा, अनुविक्षणम में क्या होगा, अनविक्षणम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अव्यय पद देखने, तो फर्स्ट में यहाँ पे तत्र आ जाएगा, सेकंड में स्वह आ जाएगा, थर्ड में यहाँ पे पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखते हैं पैराग्राफ दिया गया, फर्स्ट में यहाँ पे स्वर्ण स्थलाया आ जाएगा, थर्ड में सेकंड में यहाँ पे चित्र विचित्र मूर्ति आ जाएगा और थर्ड में यहाँ पे बालिका आ जाएगा। इसी तरीके से एक शब्द में एक लाइन में आंसर देना था इन तीनों क्वेश्चन का, तो आइए इन तीनों का आंसर देखते हैं कहाँ से लिखना है। तो फर्स्ट का आपको यदा से लेके यहाँ पर परिवेशितम से लिखना था, सेकेंड का पूर्व से लेके क्रियाकृतम लिखना था, थर्ड में बालिके से लेके गच्छम तक, ये पूरी लाइन आपको यहाँ पे लिखनी थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में फर्स्ट में आ जाएगा अहम, यहाँ पे आपको कृतपद बताना था, विशेषण बताना था एकनानी हो जाएगा, क्रियापद यहाँ पे गच्छय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा नभय, सेकंड का सजनाम हो जाएगा और थर्ड का फलानी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना था, के सस्य न खदानी वरिहा या मेघा सस्य न खदानी आ जाएगा, नद्य की न क्रुवती स्वयं जल न पीती, नदी क्या करती है, अपना जल खुद नहीं पीती है, सत्ता विभूते कीमर्थ भवती, तो कीमर्थ की जगह आ जाएगा परोपकार है। उसके बाद नेक्स्ट एक शब्द में आंसर देना है, मेघा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वरिवाहा। उसके बाद अदंती में हमें कृतपद बताना है, वरिहा, और जलम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अभय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे संवाद दिया है, इसे देखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा चंदन, सेकंड का अपरत हो जाएगा, थर्ड का
पात्रेण हो जाएगा। अब यहाँ पे एक शब्द में आपको आंसर लिखना था, तो फर्स्ट का आंसर देखो पूरी लाइन आएगी और की जगह पृष्ठपादेन आ जाएगा। सेकंड और थर्ड का आंसर हम यहाँ पे देखते हैं। देखो सेकंड का आंसर यहाँ से शुरू करना, आपको चित्कार से लेके पूरा रक्त रंजित तक आ जाएगा, और थर्ड का आंसर यहाँ से धेनु से लेके अव्यय तक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें एक शब्द में उत्तर देना था, विशेषण पद देखना है, तो घटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा। क्रियापद देखना है, अगच्छत यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा। विलोम पद गच्छामि का आयामी हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रश्न बनाने थे, तो उपाध्यक्ष की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, कस्य आ जाएगा। ग्रामे की जगह कुत्र आ जाएगा। तंडुलान की जगह कानी आ जाएगा। भक्ष्य कलानी की जगह कानी आ जाएगा। मातुलानी की जगह का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जो शब्द मैच होते हैं वो काटते रहते हैं, तो फर्स्ट में समीरे आ जाएगा। फर्स्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीरे हो जाएगा। सेकंड में यहाँ पे हम देखते हैं तो सेकंड में यहाँ पे नताम हो जाएगा, नताम हो जाएगा। थर्ड में निंददाया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में यहाँ पर हो जाएगा निर्गुणम, सेकंड में सुस्वादम सुस्वादु, और थर्ड में समुद्रम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना था, मैच करने थे, तो इनको देखो छोटा कर देती हूँ मैं, जिससे कि आपको समझ में आया। फर्स्ट लाइन यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो फर्स्ट होनी थी यहाँ पे, उसके बाद ये लाइन सेकंड होनी थी, ये लाइन थर्ड होनी थी, उसके बाद में ये लाइन फोर्थ होनी थी, उसके बाद ये लाइन फिफ्थ होनी थी, ये सिक्स्थ होनी थी, ये सेवन्थ होनी थी, और लास्ट में ये लाइन एट होनी थी। तो इस तरह से आपको करना था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट में देखो फर्स्ट में हो जाएगा हंसे आ जाएगा, ये ऑफिशियली आंसर किए, इसी से आपके आंसर चेक किए जाएंगे। सेकंड में असमर्थ हो जाएगा, थर्ड में अमरा हो जाएगा, और फोर्थ में धनम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैच करना था, तो फर्स्ट में अदंती में आ जाएगा खदानी आ जाएगा, निश्चित में शितुआ आ जाएगा, वस्य में मित्रम आ जाएगा, और कलापा में समूह आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मैच करना था। थैंक यू गाइज़।